रिश्वत लेते एक लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जौनपुर के उदपुर गांव में जमीन की पैमाइश कराने और उसकी रिपोर्ट लगाने के लिए लेखपाल रिश्वत लेते नजर आ रहा है। वहीं जब मामले की भनक राजस्व विभाग को लगी तो हड़कंप मच गया। आप भी देखिए वीडियो में लेखपाल कैसे खुलेआम रिश्वत ले रहा है। हमारा पिताजी रहते हैं राजस्थान, ना ही टेक्सटाइल मिल में है। अपन जौन अथवा काठ कबाड़ मान रहा है सर की जौन है अथवा हमारी पुस्तैनी जमीन है। पुस्तैनी जमीन पर हम मढ़ा नहा के गोरु बांधत रहे हैं। चारों तरफ ईटा के दीवार थी। एकरे बाद जौन मढ़ा उतार के हमारा पड़ोसी जबरदंग है उठाकर फेंक दिया। फेंक कर उसने आग लगा दिया, जल गया। हम थाने से चौकी से डीएम ले दौड़ रहा है। हमारा कोई सुनाई नहीं है। बोलता है कि जाओ नपाओ। नपाए, एक लेखपाल नाप के गए और एक लेखपाल और जौन है एक लेखपाल जौन है पैसा मांगत है। हमारा मजदूर हो के सेवा सेवा लाल सरोज पैसा मांगत हो। पैसा मजदूर अब हमें देना पड़ा था। तब भी हमसे कहत हुआ एक महीना दस दिन इसे तरह से पैसा भी ले जाते हैं, टाइम भी लेते हैं। उदपुर गांव निवासी सुधरा सिंह का आरोप है कि लेखपाल ने जमीन की पैमाइश करके रिपोर्ट लगाने के नाम पर 3,000 रुपए बतौर घूस मांगे। गरीब महिला जब उस जमीन की पैमाइश करने के लिए अधिकारियों के ऑफिस का चक्कर काटते काटते थक गई और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन लेखपाल को 1,000 रुपए घूस देना पड़ा। अब देखना है कि आखिर प्रशासन मामले में कोई कार्रवाई करेगा या फिर रिश्वत का खेल यूं ही चलता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।